जी स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होता है? फोटोसिस्टम टू में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसको ऑब्जॉर्व करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जिसके पास साइटोक्रोम है। इस तरह का जो मोमेंट रहता है इलेक्ट्रॉन का वो डाउन हिल रहता है इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन जो हैं इस केस में जैसे ये ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो यूज़ नहीं होंगे, यूज़ नहीं होंगे तो क्या होगा, तो वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से गए मतलब फोटो सिस्टम टू ने ऑब्जॉर्व किया इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास गए और फिर वो दूसरे फोटो सिस्टम वन के पास चले गए। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम वन के पास आ रहे हैं लेकिन साइमल्टेनियसली उसमें लाइट का अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट होकर किसके पास जाएंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जाएंगे जिसके पास ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल है। अब इस बार जो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी रिच कंपाउंड के पास जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम वन के पास गए, फोटो सिस्टम टू से फोटो सिस्टम वन के पास गए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, एनएडीपी पॉजिटिव के पास गए और क्या फॉर्मेशन किया उन्होंने, एनएडीपीएच का। तो ये जो सारा स्कीम रहता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम पीएस टू, फिर अभी टू एक्सेप्टर, देन डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू पीएस वन, फिर एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, फिर से एक और एक्सेप्टर के पास जाएंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है उसका जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इस तरह से है, ये लाइक दिस जी स्कीम। तो यही रीज़न है कि इस तरह की जो लाइट रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं जी स्कीम ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। और ये शेप कब बनती है, जब जितने भी कैरियर्स हैं दे आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल।